पाकिस्तान जैसा देश जहां पुरुषों को हर बात पर तवज्जो मिलती दिखाई देती है, उस देश में हिना रवानी खार ने मर्दों को पीछे छोड़कर राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। हिना रवानी खार जिनके चर्चे भारत से लेकर दुनिया भर में हैं, उन्हें एक बार फिर पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोटे से उन्हें विदेश राज्य मंत्री बनाया है, जिन्होंने फरवरी 2011 से मार्च 2013 तक पाकिस्तान के 21वें विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया है। अपनी राजनीतिक योग्यता के अलावा हिना रवानी खार को उनके उत्तम दर्जे के सटोरियल सेंस के लिए भी जाना जाता है। हिना पाकिस्तान की पहली महिला राजनेता भी थी जिन्हें ये मंत्रालय दिया गया था। इतना ही नहीं, सबसे कम उम्र में ये मंत्रालय मिलने का रिकॉर्ड भी हिना के नाम दर्ज हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी अपने कोटे से हिना रवानी खार को विदेश मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल में हिना की मौजूदगी चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि 44 साल की हिना को ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है। अमीर जमींदार परिवार से आने वाली हिना 2011 में पाकिस्तान की सबसे युवा और पहली महिला विदेश मंत्री बनी थी। वो दो बार भारत दौरे पर भी आई, वहीं यहाँ की मीडिया ने उन्हें हाथों हाथ लिया था। नरम मिजाज वाली हिना ने पिछले दिनों संसद में इमरान खान के विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी से कुछ इस तरह सवाल पूछे कि वो इधर उधर झांकने लगे। बहरहाल, हम हिना से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें आपको बताने जा रहे हैं। ये बातें उनकी पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। हिना पाकिस्तानी सियासत की उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन पर कभी लोटा होने की तोहमत नहीं लगी, यानी जिन्होंने फायदे के लिए कभी पार्टी नहीं बदली। अमीर और रसूखदार जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाली हिना ने 2002 में मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से फॉरेन रिलेशन और लैंग्वेज में मास्टर डिग्री ली। इसके बाद कुछ वक्त प्रोफेसर रहीं और फिर पाकिस्तान लौटकर सियासी मैदान में उतर गईं। सियासी पारी की शुरुआत पीपीपी से की और अब तक वहीं हैं। पति का नाम फिरोज गुलजार है, दो बच्चों की माँ हैं। 2012 की हिना से रिलेटेड खबर सामने आई। बांग्लादेश के अखबार द ब्यूटिस ने एक खबर पब्लिश की और इससे पाकिस्तान के सियासी इलाकों में तूफान मच गया। खबर में कहा गया कि बिलावल भुट्टा जरदारी और पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रवानी खार के बीच अफेयर है। इसके सबूत बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी के पास मौजूद हैं और वो इस अफेयर से बेहद खफा हैं। जरदारी की नाराजगी की एक वजह ये है कि हिना उम्र में बिलावल से पूरे 10 साल बड़ी है। दूसरी बात, हिना मुल्तान पंजाब प्रांत से ताल्लुक रखती हैं, जबकि बिलावल सिंध से आते हैं। अमूमन पंजाब के लोग सिंध प्रांत में रिश्तों से बचते हैं। बिलावल की दोनों बहनें भी हिना को पसंद नहीं करती हैं। 2012 में बिलावल और हिना के अफेयर की खबरें कई दिन सुर्खियों में रहीं। जब हालात बेकाबू होने लगे और सियासी नुकसान नजर आने लगा तो पीपीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अफेयर की खबरों को अफवाह बताया। हिना के पति फिरोज गुलजार ने भी एक बयान जारी कर इसे फिजूल खबर और बदनाम करने की साजिश बताया। तब हिना ने न्यूयॉर्क में कहा था, फिलहाल इस मुद्दे पर मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। बहरहाल, बिलावल और हिना का इश्क परवान नहीं चढ़ सका। खबरें इसलिए भी दब गईं क्योंकि सिंध को छोड़ पीपीपी का सियासी वजन भी कम होने लगा था। हिना जब विदेश मंत्री थी तब भारत में एसएम कृष्ण फॉरेन मिनिस्टर थे। दोनों के बीच कई मुलाकातें हुई और ये वो दौर था जब पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमले हो रहे थे। हिना दो बार भारत दौरे पर आई। वो अजमेर की दरगाह पर जियारत करने के अलावा भी भारत में कई जगहों पर गईं। यूएन में उन्होंने 3 बार पाकिस्तान का पक्ष रखा। खास बात ये है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूएन में उन्होंने कभी पाकिस्तान के लिए टेररिज्म विक्टिम कार्ड नहीं खेला। हिना रवानी खान का स्टाइल स्टेटमेंट बन चुके उनके हैमर्स ब्रिकिन बैग की कीमत $10,000 से $15,000 यानी 5 लाख से 8 लाख रुपए तक है। वो अपने स्टाइल पर कितना खर्च करती हैं इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी रोबोटर कवाली लिपस्टिक की कीमत भी करीब $500 लगभग 27,000 रुपये। इसी तरह जिमी शू हाई हील्स भी उस दौर में करीब $900 आते थे। ये कीमत 10 साल पहले की है, अब इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। खुद हिना के पास पाकिस्तान में बेटले और
पोर्श जैसी करोड़ों रुपए कीमत वाली कारें हैं। कहा जाता है कि उनके पास एक आइलैंड भी है। साथ ही कर्नाटक मामले में भी हिना हाईलाइट रही थी। कर्नाटक से उन्हें एक आपत्तिजनक कॉल 2012 में हिना से जुड़ा एक और मामला सुर्खियों में आया था। खास बात यह है कि पाकिस्तान के विदेश विभाग और लाहौर पुलिस ने इस बारे में औपचारिक तौर पर भारत को जानकारी दी थी। कर्नाटक के रायचूर में कोचिंग क्लास लगाने वाले अमरेश ने हिना को फोन कर दिया था। कहा जाता है कि फोन पर हिना से अश्लील बातें की गई थी। अमरेश ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि ये हरकत मेरे क्लास के किसी स्टूडेंट ने की होगी। हिना रवानी खान एक दमदार शख्सियत, टैलेंटेड महिला होने के साथ साथ एक खूबसूरत और स्टाइलिश पॉलिटिशियन भी हैं। उनकी जैसी पर्सनालिटी और अंदाज अपने आप में ही खास है। तो ये बात सच है कि हिना रवानी खान पाकिस्तान की पर्सनालिटी नेता ही नहीं, एक बेशुमार दुनिया भर में चर्चित मॉडल की जैसी नेता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटा।